वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का और शॉप का? इमरान नाम है मेरा और शॉप का नाम है गिलगित बल्तिस्तान ड्राइव रोड। लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन है जमजमा सेंटर फेस टू पाकिस्तान टाउन। ठीक है, स्टार्ट करें सर। अच्छा भाईजान, हमारे पास ड्राई फ्रूट में काफ़ी सारी वैरायटियां हैं, तो कोशिश यही होती है अच्छी से अच्छी चीज़ रखे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनाए और कस्टमर की जो डिमांड है, हमारे पास मुख्तलिफ हर चीज़ पड़ी हुई है। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है शुगर कोटेड बादाम पड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं तुर्किश खुबानी, ये तुर्की से आती है तुर्किश खुबानी बग़ैर गुठली के। इसी तरह हमारे पास ये मिक्स फ्रूट पड़ा हुआ है और कुछ चॉकलेट्स पड़े हुए हैं प्यारे से, और काजू पड़े हुए हैं हमारे पास मुख्तलिफ, कोई 4-5 तरह के काजू पड़े हुए हैं। प्राइसेस भी बता देंगे आपको। काजू हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये सबसे बेस्ट काजू है, ये 3600 रुपये किलो दे रहे हैं। और इसी तरह काजू में और पड़े हुए हैं, ये 2400 रुपये किलो है, ये सिर्फ साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, इंडियन काजू है। और ये वियतनाम वाले हैं, ये 2800 रुपये किलो है, साइज़ में बड़े होते हैं, टेस्ट में थोड़े अच्छे होते हैं उनसे। इसी तरह हमारे पास पड़ा हुआ है पिस्ता, पिस्ता ये पड़ा हुआ है ईरानी, बहुत बेहतरीन पिस्ता है टेस्ट वाइज। तो ईरानी पिस्ता आपको पता है सबसे अच्छा पिस्ता ईरानी होता है, 2600 रुपये किलो है ये। और इसी तरह एक और पड़ा हुआ है ये वाला, ये भी ईरानी है, इसमें थोड़ा सा उससे थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है, लेकिन अच्छा पिस्ता है, ये भी बेहतरीन पिस्ता है, ये 2200 रुपये किलो दे रहे हैं। इसी तरह हमारे पास पड़ा हुआ है, एक हमने बनाया हुआ है मिक्स, इसको आप 7 हेवन भी कह सकते हैं, इसमें 7 तरह की चीज़ें होती हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, मूँगफली, अंजीर, अखरोट, 7 चीज़ें होती हैं टोटल इसमें। और इसमें 2 तरह का बनाया हुआ है, एक है साल्टेड रोस्टेड है और दूसरा जो है प्लेन है, तो दोनों बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। और प्राइस इसकी 2400 रुपये किलो है दोनों की, हाँ दोनों का सेम ही प्राइस है। एक ही हमने स्पेशल निम्को बनाया हुआ होता है, इसमें काजू, पिस्ता, बादाम और निम्को होता है, इसका रेट है 960 रुपये जी। और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अखरोट पड़े हुए हैं हमारे पास, आप आ जाएं। अखरोट एक ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये होता है क्या कहते हैं, साख्त अखरोट की गिरी होती है, 1800 रुपये किलो दे रहे हैं। ये लोकल है जी, ये लोकल है, अखरोट सारा लोकल पड़ा हुआ है हमारे पास। और एक ये पड़ा हुआ है कश्मीर लिपा का, वादी लिपा का, ये 2400 रुपये किलो है। और पिस्ते में हमारे पास गिरी में एक ही क्वालिटी है ये वाली, ये बग़ैर भुना हुआ होता है, कच्चा होता है पिस्ता ये, तो ये आप अगर कोई डिशेस बना रहे हैं उसमें यूज़ होता है ज़्यादातर। ये 3600 रुपये किलो है, 2400 जी जी किलो इसका, और वो वाला 1800 रुपये था जी। अब काजू में हमारे पास एक ये पड़ा हुआ है, काजू में ये पड़ा हुआ है, ये छिलके समेत आता है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ये ऑयल में रोस्ट नहीं हुआ, इसकी बनाई हुई भी है साल्ट में, सारे सेम ही काजू। हाँ ये इंडियन है ये दोनों, और ऊपर वाले जो दोनों हैं वो वियतनाम के हैं। प्राइस में भी फ़र्क है, ये वाला 2400 रुपये किलो है, ये दोनों ऊपर वाले 2800 रुपये किलो है। और ये वाले ये वाला जो है ये फिर 3600 रुपये किलो है, इसका साइज़ भी बड़ा होता है और ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है उससे। और ये वाले जो हैं ये फिर चीज़ कोटेड है, चीज़ कोटेड काजू है जी, इसका भी 3600 रुपये किलो है जी, ये भी 3600 रुपये किलो है जी। और हमारे पास है बादाम में भी काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है, बादाम में ये वाले पड़े हैं, ये हम दे रहे हैं 1720 रुपये किलो, ठीक है। इसी तरह ये पड़े हुए हैं, ये 2400 रुपये किलो है, इनमें फ़र्क। और एक ये पड़े हुए हैं, ये 2800 रुपये किलो है, ये तीनों अमेरिकन है, इनमें साइज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। फिर साइज़ के अलावा इससे ये वाले थोड़े टेस्ट में अच्छे होंगे और वो वाले फिर ज़्यादा अच्छे होंगे, ये वाले जो है, तो इनका ये फ़र्क होता है, एक तो साइज़ का फ़र्क है, दूसरा टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, बादाम बादाम होते हैं। और ये रोस्टेड बादाम है,
ठीक है, ये हम खुद रोस्ट करते हैं। तो बादाम ये वो वाले हैं जो आपको बताया है 2400 रुपये, उनको रोस्ट किया हुआ है, ये भी 2400 रुपये किलो है। और ये तो छिलके वाले बादाम है, लोलाई के बादाम है, कोयटा के, तो ये 880 रुपये किलो है। और इसमें आपके पास कितनी है? बादाम में तकरीबन 3-4-5 किस्म के ये फ़िलहाल इधर पड़े हुए हैं। और देसी बादाम में ये पड़े हुए हैं हमारे पास, ये भी कोयटा के बादाम है, बहुत बेहतरीन बादाम है। ये 3200 रुपये दे रहे हैं। देसी बादाम थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन देसी बादाम का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत फार्मी अमेरिकन जो होते हैं। और एक ये वाले पड़े हुए हैं, ये फिर बादामों का बादशाह भी कहा जाता है इसको, अब्दुलवादी बादाम जो है, अब्दुलवादी बादाम की गिरी है। ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन बादाम है, ये 3600 रुपये किलो है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है किलाव। किलाव आपने देखा होगा, किलाव ये आता है गिलगित से। अच्छा, ये गिलगित का ख़ास तोहफा है, सर्दियों में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। और क्या प्राइस है? प्राइस इसकी है 1800 रुपये किलो है। ठीक हो गया जी। और चीज़ें भी पड़ी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते जाएंगे। थोड़ा सा खुबानी, ये वाली तुर्किश खुबानी है। अच्छा, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि ये तुर्की से आती है, बग़ैर गुटली के खुबानी। ठीक है, तो ये खुबानियों में सबसे बेहतरीन खुबानी है, साइज़ में भी बड़ी होती है और कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा। ठीक है, मिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें कीवी पड़ा हुआ है, इसी तरह इसमें है कटा हुआ आलू बुखारा, इसमें पपाया होता है। अच्छा, इसमें पाइनएप्पल है, और इसमें और क्या चीज़ है, चेरी पड़ी हुई है इसमें, मैंगो है इसमें। ये 2600 रुपये किलो दे रहे हैं हम। ठीक है जी। चलगोजे के चलगोजे में ये पड़े हुए हमारे पास, चलगोजा दे रहे हैं हम 7400। ठीक है, और ये वाला जो है इसका रेट लगा हुआ है 5800। ठीक है, ठीक है। फ़र्क इनका ये होता है कि ये पॉलिश हुआ हुआ है। अच्छा, ठीक है। छिलका इसका साफ़ होता है। अच्छा, और ये नेचुरल हालत में है। अच्छा, नेचुरल। इसकी बुनाई हुई है रेत में, और इसकी जो है इसके प्लांट लगे होते हैं, ये मशीनों के ज़रिए इसकी बुनाई होती है। ठीक है, ये किस कंट्री का ये लोकल है? चलगोजे लोकल है ये लोकल। ये बनू से आते हैं, वज़ीरिस्तान और इन साइडों के, मीरान शाह इन साइडों से आते हैं, ये चलगोजे लोकल है जी। ठीक है, और साबत बादाम में एक ये भी वैरायटी पड़ी हुई है, ये ऑस्ट्रेलियन बादाम है, तो ये 1200 रुपये किलो दे रहे हैं। जी, ये ड्राइड खुबानी है, ये सबसे VIP खुबानी है, बड़े साइज़ की और बिल्कुल नरम सी होती है। तो ये दे रहे हैं हम 1600 रुपये। इसमें एक और हमारे पास पड़ी होती है, वो 1200 रुपये दे रहे हैं, वो वाली पड़ी हुई है, वो भी बहुत अच्छी खुबानी है, सिर्फ साइज़ में थोड़ी सी उससे छोटी होगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। हाँ, तो ये फिर 960 रुपये दे रहे हैं ये वाली जी। ये भी उसी तरह की खुबानी है जिस तरह आपको पहले दिखाई है, वो तुर्किश वाली, लेकिन ये ईरानी है। 2 किलो जी, ये हम दे रहे हैं 960 रुपये किलो बग़ैर गुटली के। इसका ये फिर वो थोड़ी सी ऑरेंज टाइप होती है, ये येलो है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो टेस्ट इसका भी बहुत बेहतरीन टेस्ट है। ये ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है, ये क्या क्या रेट है? ज़ाफ़रान 200 रुपये ग्राम दे रहे हैं जी। ज़ाफ़रान पहले महंगा होता था, 500 रुपये ग्राम होता था, अभी हम 200 रुपये सेल कर रहे हैं। ये अंजीर है जी, ये अंजीर है, अंजीर में भी काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है। इसका क्या रेट है? अंजीर में है हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है, ये 1800 रुपये किलो है। ये जो आपने पहले देखी है ये वाली, ये 2400 रुपये किलो है। एक वो आगे जो टोकरी में पड़ी हुई है, वो भी फिर नज़दीक से वहाँ से देख लेंगे, वो 3200 रुपये किलो है। और इसी तरह हमारे पास ये भी अंजीर पड़ी हुई है, ये ईरानी अंजीर है, ये वाली है 3200 रुपये किलो, ये भी बहुत बेहतरीन अंजीर है। इसको इसी तरह ड्राई किया हुआ है, प्रेस नहीं हुआ हुआ, सिर्फ काट के ड्राई किया हुआ है, सन ड्राई है। और एक ये वाली अंजीर है, ये भी मेरा ख्याल थोड़ी रह गई है, 2400 रुपये किलो दे रहे हैं वो। ये
ये थोड़े से मसालेजात वगैरह पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये इसमें लौंग है, काली तिल है, इसी तरह वो है क्या नाम है, कमरकस है, चिया सीड्स पड़े हुए हैं, और कलवंजी है, बादियां खताई है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसी तरह ये भी पड़ी हुई हैं, इनमें भी थोड़े से जो है ना यही मसाले वगैरह, मलट्ठी वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा सीड्स पड़े हुए हैं, ये पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज, और ये वाले सनफ्लावर सीड्स है रोस्टेड। वो जो आपने पहले पम्पकिन सीड दिखाए हैं ये सॉल्टेड होते हैं, और ये जो सनफ्लावर सीड्स है ये भी सॉल्टेड है। इसी तरह पम्पकिन में एक ये वाले हैं, ये बग़ैर सॉल्ट के हैं, नेचुरल है बिल्कुल। क्या प्राइस है? ये 960 रुपये है, वो भी 960 रुपये है, और ये जो सनफ्लावर सीड्स है ये 480 रुपये किलो दे रहे हैं। नेक्स्ट मेवे पड़े हुए हैं, ये वाला मेवा पड़ा हुआ है, ये देसी मेवा है कोयटा का, ठीक है, ये 640 रुपये दे रहे हैं किलो। ठीक है, एक वो वाला मेवा पड़ा हुआ है, वो फिर ईरानी मेवा है, अच्छा, वो 600 रुपये किलो दे रहे हैं हम। ठीक है, इसके अलावा कोई है इसमें? इसके अलावा मेवे में पड़े हुए हैं, आगे आप आएँ मेरे, इसके अलावा ये वाला पड़ा हुआ है सुंदरखानी, अफगानिस्तान वाला, ये 2000 रुपये किलो दे रहे हैं, बहुत मीठा और बहुत ज़बरदस्त मेवा है ये। इसी तरह ये वाला पड़ा हुआ है, ये 1200 रुपये दे रहे हैं, ये भी अफगानिस्तान वाला है, सुंदरखानी है दोनों। अच्छा, ये क्या? इसको तिल शक्री कहते हैं, तिल और गुड़ में बना हुआ है, बहुत बेहतरीन टेस्ट है इसका। ये हमारा मंदरा से आता है कि सक्कू, सक्कू का है मेरा ख्याल है, सक्कू से आता है। हाँ, तो ये 960 रुपये किलो दे रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, सर्दियों में लाजवाब चीज़ है, बस खानी चाहिए, आप भी खाएं, हम भी खाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये छुआरा, खजूरों में हमारे पास पड़ी हुई ये खजूरें हैं, ये है सोदिया वाली खजूरें हैं, कलमी, और ये जो है ये फिर सुगई है, और ये अजवा पड़ी हुई है, और ये मबरूम पड़ी हुई है। ठीक है, मबरूम हम दे रहे हैं 2400 रुपये किलो, अजवा दे रहे हैं 2000 रुपये किलो, सुगई दे रहे हैं 1200 रुपये किलो, और कलमी दे रहे हैं 1600 रुपये किलो। इसी तरह ये अंबर पड़ी हुई है, अंबर खजूर, खजूरों में चार पांच तरह की पड़ी हुई हैं फ़िलहाल, रमज़ान में फिर खजूरों की वैरायटी ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी। ये शहतूत है जी, शहतूत है ये, आपको पता है खांसी के लिए, गले के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो ये है भी सस्ती है, 480 रुपये किलो दे रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाएं हम स्वीट्स में, हमारे पास कुछ चॉकलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये चॉकलेट्स हैं, ये ईरानी है, ठीक है, इसी तरह साथ ये तुर्किश स्टोन चॉकलेट पड़े हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल पत्थर की तरह लग रहे हैं, एंटिक चीज़ है। और एक ये प्राइस है 560 रुपये किलो है, और ये 960 रुपये किलो है जो स्टोन चॉकलेट है। और एक ये वाले चॉकलेट पड़े हुए हैं, ये फिर 960 रुपये किलो, इसमें तुर्किश ईरानी मिक्स है जी। ये हमारे पास निमकोस पड़ी हुई है सारी तरह की, इसमें चिप्स होते हैं, चने हैं, बारीक निमको है, मोटी निमको है, और चिप्स में बारीक चिप्स है और मोटे वाले चिप्स है, और इसके अलावा हमारे पास दाल मूंग पड़ी हुई है, बहुत बेहतरीन टेस्ट, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है दाल मूंग। और इसमें 480 से ऊपर कोई नहीं है, 320 से लेकर 480 तक निमको में सारे मुख्तलिफ जो आइटम है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास शहद भी है, ऊपर नज़र आ रहा है शहद, तो सर हमारे पास बहुत बेहतरीन शहद है, ये हम अपने नाम से सेल कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान ड्राई फ्रूट, ठीक है, कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी पैकिंग है, ठीक है, इसकी हम गारंटी देते हैं, ये छोटी मक्खी बेरी का है, तो ये 100% मनी बैक गारंटी होती है इसकी, बेहतरीन शायद है, और रेट भी मुनासिब है,
क्या प्राइस है? 2200 रुपये किलो दे रहे हैं ये, और इसके रेट पहले कम थे, 1600 रुपये था, फिर 1800 हो गया, फिर 2000, 2200, इसी तरह कम भी रहा है, ऊपर भी जाता है, शायद थोड़ा सा टाइम पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है। अंजीर है, अंजीर जैम, ये ईरानी अंजीर जैम है जी, ये ईरान से आता है, बहुत बेहतरीन, ये बहुत मशहूर कंपनी है शाना, तो काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं इसे, और स्पेशली इसका जो अंजीर और स्ट्रॉबेरी वाला जैम है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास देसी घी पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये है देसी घी, बिल्कुल प्योर बेहतरीन देसी घी है, अपनी पूरी गारंटी के साथ देते हैं। अचार है जी, बिल्कुल ये अचार है, होममेड अचार है। इसी तरह आलू बुखारे की चटनी है, लहसुन अदरक का अचार है, और ये गार्लिक है। इसी तरह पिंक टी है, पिंक टी बनी हुई तैयार, बस दूध उबालें, एक चम्मच डालें इसमें कप में, और आपकी गुलाबी चाय तैयार। वैसे तो बहुत मुश्किल से बनती है वो, आपको पता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये तैयार होती है बिल्कुल। इसकी है, ये छोटा पैक है इसका, ये 280 रुपये का है, इसमें कम से कम कोई 12 से 15 कप बन जाते हैं। ये मुल्तानी सोहन हलवा पड़ा हुआ है, मुल्तानी सोहन हलवा 840 रुपये किलो है जी, और ये तो हमारे अपने पहलवान साहब है, मशहूर मशहूर ज़माना पहलवान रेवड़ी, 400 रुपये किलो दे रहे हैं जी। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी ये ऑलिव ऑयल्स पड़े हुए हैं, ऑलिव ऑयल हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जन पड़ा हुआ है। इसी तरह ये तो आपको पता है खाने के लिए होता है, पीने के लिए इसी तरह, और ये आप पोमिस है, ये खाने बनाने में यूज़ होता है, और इसी तरह ये मालिश के लिए यूज़ होता है। तो जी ये अब मूंगफली आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मूंगफली हमारे पास पड़ी है पारा चिनार वाली, बेहतरीन मूंगफली है, बहुत लोग पसंद करते हैं इसे, ये 600 रुपये हम किलो दे रहे हैं। इसी तरह उसके बाद फिर सखर वाली पड़ी हुई है, ये भी साइज़ में सेम होती है, लेकिन टेस्ट में वो वाली ज़्यादा अच्छी है पारा चिनार वाली। सखर वाली जो है वो 440 रुपये किलो दे रहे हैं, और ये जो है ये गुजर खान की है, गुजर खान वाली दे रहे हैं हम, सॉरी चकवाल की है, ये 320 रुपये किलो दे रहे हैं, और गुजर खान वाली जो है ये 480 रुपये किलो दे रहे हैं। गुजर खान वाली और चकवाल वाली फिर तकरीबन साइज़ में सेम होती है, लेकिन टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा होता है। ये अमलोक है, अमलोक भी यहाँ, अमलोक भी पड़ा हुआ है, बेहतरीन साफ़ सुथरा अमलोक पड़ा हुआ है। अमलोक की प्राइस है 240 रुपये। इसी तरह जो मैं आपको सनफ्लावर सीड्स बता रहा था, ये बग़ैर नमक के पड़े हुए हैं, ये कुछ लोग अक्सर लोग परिंदों को भी देते हैं, ये हम दे रहे हैं 440 रुपये किलो। और ये फिर मसालों में आ जाता है, आलू बुखारा पड़ा हुआ है, एक ईरानी आलू बुखारा है, एक ड्राई काबली आलू बुखारा कहते हैं इसे। इसी तरह मनक्का पड़ा हुआ है हमारे पास, मनक्का भी सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, खांसी वगैरह के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है उबाल के। और ये पॉपकॉर्न पड़े हुए हैं, अनारदाना है, अनारदाना भी मसालेजात में आ जाता है, बहुत बेहतरीन अनारदाना पड़ा हुआ है, ठीक है, अनारदाना है 1400 रुपये हम किलो दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चार मगज़ पड़े हुए हैं, 480 रुपये किलो दे रहे हैं जी, साफ़ सुथरे बिल्कुल और फ्रेश। सौंफ पड़ी हुई है, ये भुनी हुई होती है मीठी सौंफ, ये 640 रुपये किलो दे रहे हैं, और साथ में सादी सौंफ है वो फिर 560 रुपये किलो दे रहे हैं। ये काबली किशमिश या काबली पुलाव वाले किशमिश भी कहते हैं इसको, जो इस साइड पे पड़ी हुई है ये वाली जी, 480 रुपये किलो दे रहे हैं। साथ वाली इसको रशियन किशमिश भी कहते हैं और काली किशमिश भी कहते हैं, तो वो 1600 रुपये किलो दे रहे हैं। ये इसको पान मसाला भी कह सकते हैं, वो पान वगैरह में जो डलता है ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है खाने के बाद। और ये है मिस्री सौंफ, मिस्री नारियल सौंफ वगैरह इसमें होता है, ये नज़र के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है, नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है जी। इसके अलावा मिस्री पड़ी हुई है, ये मिस्री है, और साथ ये स्वीट्स में आ जाते हैं, ऊपर मखाने पड़े हुए हैं, मीठे मखाने जिसे कहते हैं, वो भी है, वो वाइट में है, और ये फिर कलरफुल है थोड़े से, और साथ
जैली पड़ी हुई है बच्चों के लिए, बहुत बेहतरीन जैली है दोनों, एक ईरानी है और एक अपनी पाकिस्तानी है ये वाली। ये पाकिस्तानी जी, ये बेहतरीन जो जो पाकिस्तानी जैली है बहुत पसंद करते हैं लोग। इसी तरह पताशे पड़े हुए हैं, पताशे भी पड़े हुए हैं, और वो कॉर्नर में कावा पड़ा हुआ है पेशावरी पलंडू वाला, जो पठान लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तो कावा हर बंदा यूज़ करता है। कावा तो है भी, बहुत बेहतरीन चीज़ है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये ऊपर ऊपर दालचीनी पड़ी हुई है दोनों, एक ये वाली है गोल वाली जो होती है, एक कावा पड़ा हुआ है दरमियान में, ये भी ब्राज़ीलियन कावा है, ठीक है। उसकी प्राइस में क्या, इसके और उसके प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो वाला 960 रुपये दे रहे हैं जो पेशावरी है, और ये 1600 रुपये दे रहे हैं किलो। ये वेट लॉस के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इसको, ब्राज़ीलियन जो कावा है, और वो दूसरा तो आम जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने के बाद। और ये पड़े हुए हैं चीड़ पड़ा हुआ है, चीड़ भी कहते हैं इसको, कुछ लोग गोंद भी कहते हैं, पंजीरी में ज़्यादातर यूज़ होता है ये, ठीक है। और साथ वाला जो है गोंद कतीरा है, गोंद कतीरा शरबत वगैरह बनता है इसका, उसमें यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। और इसी तरह ज़ीरा पड़ा हुआ है, काला और सफ़ेद ज़ीरा पड़ा हुआ है, और अलसी के बीज पड़े हुए हैं, बहुत प्यारे साफ़ सुथरे बिल्कुल अलसी के बीज पड़े हुए हैं, 560 रुपए किलो दे रहे हैं ये, ठीक है। स्पेशल बना हुआ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ज़रिश्क है, काली मिर्च, बादाम, खस्ता, उसके अलावा चारों मगज, मूंगफली, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हम 640 रुपए किलो दे रहे हैं नीचे वाला। ऊपर जो है ये फिर थोड़ा सा उससे स्पेशल बना होता है, इसमें पिस्ता बादाम वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, इन चीज़ों की मकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो 800 रुपये किलो दे रहे हैं। और इसके अलावा सादा गुड़ भी पड़ा हुआ है, सादा गुड़ ये पड़ा हुआ है, सादा देसी गुड़ है, 400 का काला वाला बिल्कुल, ये भी ये 200 रुपये किलो दे रहे हैं। छुआरा आ गया जी, छुआरा भी बहुत बेहतरीन छुआरा पड़ा हुआ है, 360 रुपए किलो दे रहे हैं। छुआरे में फ़िलहाल मेरा ख्याल है एक ही क्वालिटी पड़ी हुई है जी। और ये वही पहलवान की रेवड़ी पड़ी हुई है खुली, ठीक है। और ऊपर जो है ये चने हैं, चॉकलेट कोटेड चने, ईरानी चने होते हैं ये, बेहतरीन टेस्ट है इनका भी। क्या प्राइस है इनकी? प्राइस 400 रुपए किलो दे रहे हैं। ये है लेमन ग्रास, ये भी वही कावो में शुमार आता है इनका, अक्सर लोग बहुत शौक से पीते हैं। ये एक नई रेवड़ी आई है मूंगफली में बनी हुई, ठीक है। इसके ऊपर तिल चढ़ाया हुआ है और बाकी प्योर गुड़ है, इसमें चीनी नहीं होती बिल्कुल। खुबानी में एक और भी पड़ी हुई है, आपको ये दिखाई थी या नहीं, ये भी तुर्किश खुबानी है, साइज़ में सिर्फ थोड़ी छोटी होती है उससे जो पहले आपको दिखाई थी। इसी तरह ये पंजीरी बनी हुई है, ये हमारी अपनी बनी हुई है, ये हमारी अपनी पंजीरी बनी हुई है, ये 2000 रुपये किलो दे रहे हैं हम, बेहतरीन देसी घी में बनी हुई है, और तकरीबन 12-13 आइटम होते हैं इसमें। इसमें है सूजी में बनी हुई है, इसके अलावा इसमें है किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, और उसके अलावा नारियल है थोड़ा सा, उसके अलावा है इसमें कमर कस होता है, इसमें चीड़ होती है, फूल मखाने होते हैं, और उसके अलावा देसी घी में बना हुआ है सारा कुछ। ये ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी है, ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी प्राइस है 900 रुपये पाव, 3600 रुपये किलो। और इसी तरह ये पड़े हुए हैं हेज़लनट्स, हेज़लनट्स जो ब्राज़ील से आते हैं जी, ये भी 3600 रुपये किलो है। अच्छा, तो और हमारे पास इसके अलावा ये होता है कि हम बिद की थैलियाँ बनाते हैं, बिद ऑर्डर पे बनाते हैं, और ये टोकरियाँ होती है हमारे पास फैंसी, और इसके अलावा वो आम सिंपल जो होती है, तो बहुत प्यारी प्यारी टोकरियाँ बनाते हैं हम। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें,
आपको भी पसंद आएगा और इंशाल्लाह जो जिनको आप दे रहे हैं वो भी बहुत खुश होंगे जो गिफ्ट हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो इनकी क्या रेंजेस हैं? ये तो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टोकरियाँ तो इतनी महंगी नहीं होती, चीज़ों पे डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ें डालनी है। अगर आपने महंगी चीज़ें डालनी है तो फिर थोड़ी सी महंगी बन जाती है, अगर आपने सस्ती चीज़ें डालनी हो तो फिर वो सस्ती बन जाती है, वो तो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा भजन, अब तो मैंने आपको तकरीबन कुछ चीज़ें बता दी हैं, ज़्यादातर रह गई है। तो अब ये है कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना हो या कुछ पूछना हो किसी चीज़ के बारे में तो हमारा नंबर नोट कर लें, 0333-510-4771। इस नंबर पे आप रابطہ करें, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, किसी चीज़ का रेट पूछना हो या लोकेशन पूछनी हो हमारी, ऑर्डर करना हो, 5-6 ब्रांचें हैं हमारी तो जो आपको करीब पड़ेगी वहीं से आप ले सकते हैं चीज़ें। और आपकी ब्रांचेस किधर हैं? हमारी ब्रांचेस है फेज 7 बैरिया में वलायत कम्प्लेक्स और PWD मेन रोड पर है, और जमजमा सेंटर पाकिस्तान टाउन फेज 2 में और सदर में हमारी। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी।